एक बार इससे थोड़ा फुटबॉल ट्राई कर लिया जाएगा भाई। भाई हाथ थोड़ा थोड़ा अभी कांप रहा है मेरा, बट अभी तक इसके इस टाइटेनियम फ्रेम को कुछ नहीं हुआ गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग मीन्स आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और ये व्लॉग बनाने का एक स्पेशल रीज़न भी है। ज़्यादातर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे मोटो व्लॉगिंग देखा होगा, या फिर डेली व्लॉग्स देखा होगा, या फिर कुछ ऐसी नॉर्मल सा व्लॉग्स देखा होगा। बट आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा हटके होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाला है। तो ज़्यादा आप लोगों को सस्पेंस में ना रखते हुए, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, तो ज़्यादा सस्पेंसफुल ना बनाते हुए इस व्लॉग को मैं आप लोगों के सामने रिवील करता हूँ कि मैं इस व्लॉग में 1.5 लाख का मोटा खर्चा करने वाला हूँ गाइस। तो बहुत दिनों से व्लॉग्स मैं नहीं बना रहा था, उसके रीजंस आप लोगों को बताऊंगा मैं, और क्यों नहीं बना रहा था, क्या हुआ था, क्यों इतने टाइम के बाद मैं एक्टिव हुआ हूँ यूट्यूब पे, सब कुछ एक नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को डिटेल में बतलाऊंगा। बट तब तक ये व्लॉग का मज़ा लीजिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, व्लॉग बनाने का प्लान थोड़ा पहले का था, बट धीरे धीरे करते करते लेट हो गया। तो हम लोग अपने रॉयल इनफील्ड में आए हैं इस जगह पे, थोड़ा खाली है, गाड़ी घोड़े चल रहे हैं बट उतना नहीं। और ये मेरा नया 15 प्रो जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है एक मंथ पहले। तो ये फ़ोन का अपग्रेड जो मैंने किया वो भी मैंने आप लोगों को रिवील नहीं किया था, और इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ जो मैंने आप लोगों को बतलाया नहीं है। तो सब कुछ मैं बतलाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप देख सकते हो फ़ोन में ये क्या हो गया, नया नया 15 प्रो में लाइनिंग्स आ गए हैं। और जैसे अगर हम लोग इसका कवर रिमूव करते हैं तो इसमें क्या हुआ है, ये मेरा फ़ोन पूरा बैक पैनल मेरे फ़ोन का क्रैक हो गया है। ये देखो गाइस, ये देखो कितना खतरनाक वाला क्रैक हुआ है। तो मैं तो ज़्यादा टाइम से एक्टिव नहीं था यूट्यूब में, इसलिए ये भी बतलाना भूल गया कि आपके भाई ने जिम ज्वाइन किया है। फ़ोन लेने के बाद ही मैंने जिम ज्वाइन किया था, और जिम में ही फ़ोन का ये हालत हुआ है। मुझे जिम करना बहुत ही महंगा पड़ गया गाइज, बहुत ही भारी नुकसान हो गया जिम में। पूरा 1.5 लाख का नया नया 256 GB 15 प्रो है, और क्या ही बोलूँ, जब ये टूटा था तब बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था, बट क्या कर सकते हैं, मिस्टेक किससे नहीं होता है, गलती हो गई भाई, गलती से टूट गया तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो इस व्लॉग में मैं इस फ़ोन को टोटल डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। जी आपने सही सुना, मैं इस व्लॉग में इस फ़ोन को पूरा कबाड़ा बनाने वाला हूँ। अब जब ये नुकसान हो ही गया है तो भाई नुकसान अच्छा से ही कर लेते हैं। जब ये टूट गया है, किसी काम का नहीं रहा, स्क्रीन पूरा मेरा डैमेज हो गया, स्क्रीन और बैक पैनल भी, तो इसको अच्छे से बर्बाद कर ही देते हैं। तो आज मैं करूँगा इस फ़ोन के साथ एक्सपेरिमेंट। तो आज बुलेट लेकर के आने का रीज़न ये है R15 की जगह, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ आईफोन वर्सेस रॉयल इनफील्ड। जी तो पहले वही ट्राई किया जाए, या फिर पहले इसको एक दो बार ड्रॉप किया जाए। तो पहले एक दो बार ड्रॉप कर लेते हैं गाइज इसको, उसके बाद फिर बाइक से टेस्ट करेंगे। सो गाइज ये रहा मेरा ब्रांड न्यू 15 प्रो 256 GB, जो कि नुकसान हो गया है गाइज। आप स्क्रीन देख लो, बैक पैनल देख लो। तो इसका अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे ड्रॉप पे। तो ड्रॉप हम लोग करेंगे पहले 6 फीट की हाइट से, ठीक है। पहले हम लोग बैक की तरफ को डाउन करके ड्रॉप करेंगे। ये गया थोड़ा भाई, ये तो फोन पूरा पलटी खा गया, और ये गिरने के वजह से थोड़ा और डैमेज हो गया बैक ग्लास में, बाकी फ्रंट में कुछ नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग फ्रंट की तरफ से इसमें ड्रॉप करेंगे। ये गया भाई, बहुत ज़ोरदार आवाज़ आया था। और ये देखो गाइस, ये तो टूट गया इस तरह से,
बट मुझे लगता है ये टेम्पर गया जी। सही कहा, ये इसका अभी टेम्पर गया, तो हम लोग टेम्पर हटा देते हैं। और ये रहा अभी कुछ इस तरह से इसका स्क्रीन, अभी तक तो स्क्रीन में कुछ हुआ नहीं है। एक बार और हम लोग स्क्रीन की तरफ से ड्रॉप करते हैं। ये गया भाई साहब, एक बार में ही डिस्प्ले गोल, पूरा डिस्प्ले गायब। मुझे नहीं लगता कि ये बुलेट चैलेंज झेल भी पाएगा, क्योंकि ये 6 फीट की हाइट से जब गिर रहा और इस तरह का हो रहा है इसका डिस्प्ले में, तो मुझे उम्मीद कम है। क्योंकि आप देख सकते हो ये पूरा डिस्प्ले गया भीतर, और इधर भी कुछ टच वच का काम नहीं कर रहा है। ये देख सकते हो बहुत ही गंदा हालत है अभी आईफोन का। और ये पीछे भी देख सकते हो, ये पूरा अब अंदर का थोड़ा थोड़ा इधर से दिखना शुरू हो गया। तो अब हम लोग करते हैं, ज़्यादा ड्रॉप टच नहीं करते क्योंकि मुझे पता है ये उतना झेल नहीं पाएगा ड्यूरेबिलिटी। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं बुलेट वर्सेस आईफोन 15 प्रो। तो अभी हम लोग इसको बुलेट से वर्सेस करते हैं, तो चलिए फिर डायरेक्टली हम लोग गाड़ी के पास में। एक बार इससे थोड़ा फुटबॉल ट्राई कर लिया जाएगा गाइस। वो 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 भाई बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है स्क्रीन की वजह से। ये देखो इस तरह से हालत है। ये देखिए गाइस, अभी थोड़ा थोड़ा ये फ्लिकर हो रहा है स्क्रीन आया, अभी टच भी एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। ये देखो लेकिन फ्लिकर हो रहा है स्क्रीन इसका। ये देखो आ गया है। तो अब हम लोग इसको डायरेक्टली बुलेट टेस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग इसको स्क्रीन को नीचे रखेंगे फर्स्ट टाइम पे, फिर सेकेंड टाइम पे हम लोग स्क्रीन ऊपर रखेंगे। तो अभी हम लोग स्क्रीन यहाँ नीचे रख देते हैं यहाँ पे इस तरह से, और अभी मैं बुलेट लेकर के आऊंगा और इसके ऊपर से चढ़ाऊंगा। कुछ इस तरह से फोन के ऊपर से बुलेट गया। अब देखते हैं फोन का कंडीशन। एज सच मुझे तो कुछ उससे पहले से ज्यादा नहीं लग रहा है डैमेज, बस यहाँ कैमरा लेंस के साइड में एक छोटा सा स्क्रैच की तरह आया है, और ये स्क्रीन फिर से गया ब्लैंक। तो अभी हम लोग इसको सीधा रखेंगे इस तरह से, अब फिर हम लोग इसके ऊपर से बुलेट को लेकर जाएंगे। तो कुछ इस तरह से अभी फ्रंट की तरफ से गया, और अभी भी मुझे ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उप्स ये गया, छोटा सा ग्लास लगा है उंगली पे। ये पूरा आगे का ग्लास फूट चुका है, क्रैक हो चुका है भाई साहब, जोर का लगा ये तो कहीं अंदर ही तो नहीं ना रह गया। पूरा मेरा हाथ कांच कांच हो चुका है भाई, इससे खुद को भी नुकसान हो सकता है। तो कुछ इस तरह से अभी है हालत। अभी मैं क्या करूँगा, एक बुलेट से इसको चैलेंज देता हूँ आईफोन को। अभी मैं इसे इस तरह से कैमरा ऊपर की तरफ फेसिंग करके रखूँगा, और मैं बुलेट में कोशिश करूँगा 50 प्लस की स्पीड में क्रॉस करने का इसके ऊपर से, फिर देखते हैं ये इसका क्या कंडीशन होता है। तो हम लोग फिर से इसको यहाँ रखते हैं इस तरह से, और अभी मैं बुलेट लेकर के आता हूँ थोड़ी दूर जा करके, और 50 प्लस की स्पीड में इसको क्रॉस करेंगे।
सो गाइज लगभग मैं अराउंड 80 की स्पीड में था तभी जब मैंने इसके ऊपर से क्रॉस किया, और फिर भी देख सकते हो बस इस कॉर्नर में थोड़ा ज़्यादा ब्रेकेज हुआ है, और ये देखो फ्लिकरिंग हो रहा है, और पीछे तो थोड़ा ज़्यादा ही मीन्स बारीकी से क्रैक हो गया और ज़्यादा, बट अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे इसको ऊपर थ्रो करके, ठीक है, इसको अभी हम लोग एक बार हाइट में थ्रो करेंगे ऊपर। तो इधर से आप लोगों को शायद अंधेरा आ रहा होगा, तो मैं इधर आ जाता हूँ। अभी हम लोग इसको ऊपर एक बार थ्रो करेंगे और देखेंगे इसका क्या हालत होता है। तो अभी एक बार फोन को मैं जोर से ऊपर फेंकने वाला हूँ गाइस, देखते हैं इसका क्या हालत होता है। फोन को देखते हैं क्या हुआ है। मुझे तो ज्यादा डिफरेंस अब भाई टूटने के बाद मजबूती बढ़ गया फोन का, अब तो ये कुछ हो ही नहीं रहा। एक बार फिर से ट्राई करेंगे इसको, मैं फिर से एक बार ऊपर फेंकता हूँ। अभी तो साइड की तरफ से गिरा है गाइस, बट फिर भी मुझे कुछ वैसा चेंज या कुछ नुकसान तो नहीं लग रहा पहले से, बस थोड़ा सा ये देखो अभी इधर के तरफ से गिरा था, बस थोड़ा सा इसका टाइटेनियम बॉडी डेंट हुआ है इस तरफ से। एक बार और हम लोग ट्राई करते हैं करके, अभी गाड़ी भी नहीं आ रही। अभी तो इधर मिट्टी में गिरा इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ होगा कुछ, बट ये देखो अब इस तरफ से इस कॉर्नर से इसका पैनल क्रैक होके अब बाहर आना शुरू हो गया, और स्क्रीन उसी तरह से कुछ। एक बार और फेंकेंगे गाइस, मुझे मज़ा आ रहा है अब इसको करने में। भाई आईफोन वालों को उनकी औकात दिखा दी, 1,00,000 का फोन मैं जानबूझ करके तोड़ रहा हूँ, कितने लोगों का सपना खा रहा हूँ मैं। बहुत लोगों का सपना होता है ये फोन खरीदना, बट मैं उसे बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो एक बार फिर से फेंकते हैं। भाई बहुत ही गजब का गया अभी वो, भाई साहब बहुत ही। भाई साहब ये देखो अभी तो गया इसका बैक पैनल पूरा, अभी गया गाइस ये देखो पूरा कैमरा सेटअप। मैं मुझे छूने में भी डर लग रहा है कहीं हाथ वाथ ना कट जाए। ये देखो पूरा इसका कैमरा सेटअप बाहर आ गया गाइस, ये देखो गैप देख रहे हो पूरा इसका, ये देखो अप डाउन हो रहा है, पूरा बाहर आ गया गाइस। और कुछ इस तरह से अभी हालत है इसके बैक पैनल की, फूल गया यहाँ पे पूरा उठ गया है, फूला हुआ लग रहा है, और ये पैनल निकल गया, और ये पूरा कांच का है, तो ये कांच भी यहाँ का टूट गया पूरा। मुझे लगता है बैटरी थोड़ा सा अपने जगह से थोड़ा इधर उधर हो गया, जिसकी वजह से फूल गया नीचे की तरफ। बाकी भाई मुझे नहीं पता मैं ये कैसे लेके जाने वाला हूँ घर, पॉकेट और हाथ में तो बढ़िया से पकड़ भी नहीं सकते इसको, पर देखते हैं। बट अभी तक इसके इस टाइटेनियम फ्रेम को कुछ नहीं हुआ गाइस, बस एक बारी जो हाइट ऊपर फेंका था उस टाइम जब ये गिरा इस तरफ से, तो थोड़ा सा इधर स्क्रैच आया है, थोड़ा सा ये गंदा तरह का यहाँ पे चिपक गया थोड़ा, बाकी टाइटेनियम फ्रेम इसका मजबूत है गाइस। एक बार और ट्राई किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा। ओ भाई साहब पूरा गया, अब इसके अंदर का वो जो सर्कल सा रहता है ना वायरलेस चार्जिंग वाला, वो सब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, कैमरा भी पूरा हिल रहा है गाइस। भाई मुझे तो मन था इसको और भी एक्सट्रीम टेस्ट करूं, मैं तो सोच रहा था कि घर के छत से इसको एक दो बार फेंक दूं ताकि इसका मजबूती पता चल सके, बट शाम भी हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया काम की वजह से, और वो सब कर नहीं पाया। बट गाइस भाई हाथ थोड़ा थोड़ा अभी कांप रहा है मेरा, क्या कर दिया मैंने ऐसा।
इतना महंगा फ़ोन क्यों ऐसा कर दिया, बट कोई नहीं, अब जब कर ही दिया तो अब तो कुछ कर नहीं सकते। बट एक बार मैं घर से छत से भी फेंकने का इसको ट्राई करूँगा एक बार, बट अभी तो शाम हो गया। एक बार अगर टाइम मिला तो मैं करूँगा, और अगर नहीं टाइम मिला तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। तो बट आपको बुलेट वर्सेस आईफोन कैसा लगा गाइस? एक्चुअली बुलेट बुलेट बोल रहा हूँ बार बार, इग्नोर करना, क्लासिक 350 वर्सेस आईफोन होगा, बट आदत हो गई है बुलेट बोल बोल करके। तो ये बुलेट वर्सेस आईफोन आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, रिव्यू एक बार ज़रूर देना कि आपको कुछ क्या बोले, थ्रिलिंग सा लगा या नहीं। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही थ्रिलिंग सा लगा। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते गाइस, और अगर मैं कुछ और भी गेस्ट इसके साथ करूँगा तो मैं ब्लॉग में ऐड कर दूँगा क्लिप्स। बाकी इस तरह के कुछ कुछ थ्रिलिंग आइटम बीच बीच में देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। हाँ भाई, बस आईफोन वालों से शेयर मत कर देना, नहीं तो मुझे घर आकर के पुलिस ले जाएगी कि आईफोन क्या बेइज्जती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो गाइस फिर चलते हैं यहाँ से, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चलो सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग, और मैं आपको बहुत ही जल्दी रीज़न नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि मैं इतने टाइम से इनएक्टिव क्यों था, क्या रीज़न था मेरे इनएक्टिव होने का। और इन इतने दिनों जब मैं इनएक्टिव था तो मेरे साथ बहुत ही सारा इंसिडेंट्स हुआ है गाइस, मैं सब कुछ डिटेल में आप लोगों से शेयर करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और लाइक बटन दबाना ना भूले गाइस। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और इस तरह का एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है गाइस, चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं।